आईपीएल 2024 का 36वां मैच बेंगलोर और कोलकाता के बीच खेला गया है। इस मैच में बेंगलोर ने टॉस जीतकर कोलकाता को पहले खेलने के लिए बुलाया। कोलकाता के लिए फिन साल्ट और सुनील नारायण ने पारी की शुरुआत करी। फिन साल्ट ने इस मैच में 14 ओवरों में 48 रन की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 3 छक्के शामिल थे। फिन साल्ट के आउट होने के बाद में कोलकाता की टीम जैसी बिखर सी गई हो, लेकिन इसके बाद में कप्तान सरेश अय्यर ने आके 36 ओवरों में 50 रन की पारी खेली, जिससे कोलकाता की टीम एक बार फिर से संभल गई। लेकिन सरेश अय्यर के बाद में कोलकाता के लिए फिनिशिंग की भूमिका निभाई रमनदीप सिंह ने 9 गेंदों में 24 रन की पारी खेली, जिसमें 2 छक्के और 2 चौके शामिल थे, और रमनदीप की पारी के चलते कोलकाता की टीम 20 ओवर में 222 रन बना सकी। अगर आपको बहुत ही कम समय में पूरे मैच की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, जिससे मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो अब मैं आपका कीमती समय खराब नहीं करके वीडियो के बारे में आगे बात करता हूं। 223 रन के लक्ष्य की अपेक्षा करने के लिए आरसीबी की ओर से विराट कोहली और डुप्लेसिस ने पारी की शुरुआत करी, लेकिन दोनों खिलाड़ी इस मैच में जल्दी आउट हो गए। लेकिन इनके आउट होने के बाद में जैक विल्स और रजत पाटीदार ने पारी को संभाला और इन दोनों के बीच में 102 रन की पार्टनरशिप हुई, जिसमें जैक विल्स ने 32 बॉलों में 55 रन, जिसमें 5 छक्के शामिल थे। इसके साथ ही रजत पाटीदार ने भी 23 बॉलों में 52 रन की पारी खेली, जिसमें 5 छक्के शामिल थे। लेकिन आंद्रे सेल ने शानदार बॉलिंग करते हुए इन दोनों को पवेलियन भेज दिया। रसल ने इस मैच में 3 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। इनके आउट होने के बाद में अंतिम ओवर में करण शर्मा ने टीम को जीत लाने की बहुत कोशिश की। करण शर्मा ने 7 गेंदों में 20 की पारी खेली, लेकिन इसके बावजूद भी आरसीबी की टीम यह मैच 1 रन से हार गई। तो अब इसी वीडियो में इतना ही। आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।